तो दोस्तों, अगर आप भी ग्रो एप यूजर हो और ग्रो एप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते समय आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है, तो उस फ्रॉड का समाधान प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कॉम्प्लेन कर सकते हो, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो अगर अपने चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि ग्रो एप में अगर आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड होता है तो किस प्रकार से शिकायत आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ग्रो एप के यूजर के लिए ग्रो एप में किसी प्रकार का फ्रॉड होने से उसके कंप्लेन के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था, बट फिलहाल में ऑप्शन जो है अपडेट कर दिया गया है और आप आसानी से उस ऑप्शन का इस्तेमाल करके कंप्लेन कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ग्रो एप को ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ग्रो एप में अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है तो दो ऑप्शन दिए गए हैं कंप्लेन करने के लिए। पहला है मेल आईडी साइबर क्राइम ब्रांच का और दूसरा है कॉन्टेक्ट नंबर। इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कंप्लेन कर सकते हो। तो इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो और साइबर क्राइम ब्रांच का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कहाँ पे आपको मिलेगा, चलिए जान लेते हैं। तो जैसे आप ग्रो ऐप के होम स्क्रीन पे चले जाते हो तो राइट साइड में ऊपर में ईमेल आईडी के लोगो पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में ऊपर में सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और उसके बाद नीचे में रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो अगर आपके अकाउंट में किसी प्रकार का सस्पिशियस एक्टिविटी, संदेहजनक एक्टिविटी होता है, जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड का अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली रिडीम हो जा रहा है और विड्रॉ हो जा रहा है या कैंसिल हो जा रहा है, या अगर आपके स्टॉक जो है ऑटोमेटिकली बाय हो जा रहा है या सेल हो जा रहा है, इस प्रकार का संदेहजनक किसी भी प्रकार का एक्टिविटी होता है तो आप अपने अकाउंट को फ्रीज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फ्रीज अकाउंट का, तो आप आसानी से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके फ्रीज कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है किस प्रकार से ग्रो अकाउंट को फ्रीज करते हैं तो इसके ऊपर कंप्लीट रूल बना हुआ है, मैं चैनल पर आप जाकर देख सकते हो और फ्रीज कर सकते हो। और फ्रीज करने के बाद फिर से अगर अनफ्रीज करना चाहते हो तो अनफ्रीज भी कर सकते हो। तो अगर आपके साथ ग्रो ऐप में किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है तो नीचे में रिपोर्ट फ्रॉड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको साइबर हेल्पलाइन @grow.in का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इस ईमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हो और इसके अलावा यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कंप्लेन कर सकते हो। तो रिपोर्ट करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप आपके ग्रो एप्लीकेशन में हुए फ्रॉड का जानकारी या कंप्लेन दे सकते हो यहाँ और अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हो। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है तो किस प्रकार से आसानी से रिपोर्ट कर सकते हो। तो अगर अभी भी आपको मन में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ।